नमस्कार, मैं डॉक्टर हितेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, तेजपुर विश्वविद्यालय असम, आपका NIOS स्टूडियो में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष चंद्र रॉय, नेरी NCERT शिलोंग से। स्वागत है डॉक्टर साहब। आज हम सीखेंगे अधिगम का आकलन, आकलन के लिए अधिगम एवं आकलन का अध्ययन। इस विषय पर डॉक्टर सुभाष चंद्र रॉय हमें इस विषय पर हमें मार्गदर्शित करेंगे। प्रोफेसर रॉय जी, आप हमें बताइए अधिगम क्या है। अधिगम जिसे हम सामान्य भाषा में सीखना कहते हैं, सीखना एक प्रक्रिया है जिसके तहत हम किसी व्यक्ति के व्यवहार में एक परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं और परिवर्तन उस दिशा में लाने की कोशिश करते हैं जिस दिशा में हम चाहते हैं, और यह परिवर्तन व्यक्ति के मानसिक स्तर पर हो सकता है जी हाँ। उसके भावनात्मक स्तर पर हो सकता है, उसकी सोच में हो सकता है, उसके कौशल में हो सकता है, उसके ज्ञान की संरचना में दिखाई दे सकता है, उसके काम करने के तरीके में दिखाई दे सकता है, यानी उसके जीवन के हर पहलू में जी। जब एक वांछित परिवर्तन दिखाई दे और वह परिवर्तन लगभग अस्थायी हो, बार बार होने वाला हो, तो हम कहते हैं कि उसने सीखा है, उसके अंदर अधिगम हुआ है। सर रॉय, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सीखना के साथ में हमने एक अन्य शब्द देखा है कि आकलन, ये आकलन क्या है? जब हम सीखते हैं, जब हम कोई यात्रा करते हैं, जब हम कोई जर्नी करते हैं, सीखना एक जर्नी है, एक ट्रेवल है, एक ट्रेवलिंग है, यह एक यात्रा है। जब हम यात्रा करते हैं और एक निश्चित दिशा में यात्रा करते हैं, तो बीच बीच में हमें ये जानने की ज़रूरत होती है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, कि हम जितना चलना चाहिए, यात्रा करनी चाहिए, उस हिसाब से हम, उस गति से हम यात्रा कर पा रहे हैं, जो चीज़ हमें करनी चाहिए थी उस हिसाब से हम करते जा रहे हैं। किसी भी यात्रा, किसी भी कार्य को करते समय हमें बीच बीच में यह देखने की ज़रूरत होती है। सामान्य अर्थ में आकलन उसी का नाम है। सीखने की प्रक्रिया जो एक तरह से मानसिक प्रक्रिया है, एक तरह से शारीरिक प्रक्रिया है, एक तरह से भावनात्मक प्रक्रिया है, एक तरह से मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। सीखना और सीखने के सिद्धांत इतने सारे बने हुए हैं जो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में सीखने की प्रक्रिया को परिभाषित करते हैं, और एक तरह से हम देखते हैं कि यह कहीं एक जगह नहीं हो करके व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व में सीखने की प्रक्रिया होती है और उसके व्यवहार में परिलक्षित होता है। जब व्यवहार में परिलक्षित होता है तो हम उसी परिलक्षण को, उन्हीं लक्षणों को सीखने के रूप में देखते हैं जिसको हम देख सकें या महसूस कर सकें और जिसका हम मापन कर सकें जी। और मापन करने के लिए यह आवश्यक है कि हम बीच बीच में उसका आकलन करते रहें, उसको मेजर करते रहें, उसको तौलते रहें कि यह सीखने की क्रिया हो रही है और कितनी हो रही है, किस गुणवत्ता के साथ हो रही है। इसको हम जब मापते हैं, इसका जब हम अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, उसी का नाम आकलन है। तो सर, यहाँ पर माप जो हमारा आकलन है और अधिगम है, तो आकलन और अधिगम में क्या संबंध है? आकलन और अधिगम में बहुत ही अन्योन्याश्रय का संबंध है, मैं यूँ कहूँगा बहुत ही गहरा संबंध है, दोनों साथ चलने वाली क्रिया है। मेरा मानना है कि अधिगम और आकलन दोनों साथ साथ चलती हैं जी हाँ, दोनों साथ साथ चलनी चाहिए, और वो इसलिए कि जब हम अधिगम की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या था, हम कहाँ जाने वाले हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम कहाँ तक पहुँचना है हमको, हाँ, और वह दिशा है क्या, हमें उसकी समझ है भी या नहीं।
तो इन तमाम चीज़ों का निर्धारण जो होता है बच्चों के संदर्भ में, पाठ्यपुस्तक के संदर्भ में, शिक्षा शास्त्र के संबंध में, वह एक जटिल प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया के तहत शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण होता है, जिसमें हम कई कई जीवन के और देश समाज के कई हिस्सों को ध्यान में रख करके और काफ़ी मंथन के बाद कुछ उद्देश्यों को हम रखते हैं, बनाते हैं, और फिर उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम एक कई उपक्रम तैयार करते हैं। जैसे हम पाठ्यक्रम बनाते हैं, जैसे कि हम सिलेबस बनाते हैं, जैसे कि हम पाठ्यपुस्तक बनाते हैं, और जैसे कि हम शिक्षण अधिगम सामग्री बनाते हैं, हम शिक्षक कक्षा में पढ़ाते हैं और बच्चे सीखते हैं। सीखना यहाँ आकर के होता है, लेकिन क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, कहाँ तक सीखते हैं, इन सबों का निर्धारण वह बहुत पहले हम तय कर लेते हैं कि इतना होगा, और यह हुआ या नहीं हुआ इसके लिए आकलन है। लेकिन आकलन का काम सिर्फ यह बताना नहीं है, सीखने में अधिगम में आकलन का काम सिर्फ यह बताना नहीं है कि आप बताइए कि आपने इतनी दूरी तय की या नहीं की, बल्कि आकलन और अधिगम दोनों साथ साथ चलने वाली क्रिया है। आकलन का काम अधिगम को गति देना है, अधिगम में गुणवत्ता पैदा करना है। आकलन का काम अधिगम के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करना है। इसलिए आकलन और अधिगम दोनों में बहुत ही गहरा संबंध है, दोनों साथ साथ चलने वाली क्रिया है। जब हम अधिगम के बारे में सोचें तो हमें साथ साथ आकलन के बारे में भी सोचना होगा। जब हम आकलन के बारे में सोचें तो हम साथ साथ अधिगम और अधिगम के उद्देश्यों के बारे में भी सोचें, और जब हम दोनों में एक संबंध स्थापित करके चलते हैं तभी हम अधिगम को पूरा कर पाते हैं और अधिगम के उद्देश्यों को कर पाते हैं पूरा। इसीलिए हम कहते हैं कि अधिगम और आकलन दोनों में अन्योन्याश्रय का संबंध है, दोनों का अलग अलग अस्तित्व नहीं हो सकता। कदाचित हमारे सिस्टम में बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से यह अधिगम और आकलन एक अलग अलग इकाई के रूप से देखा गया है, देखा जाता रहा है। पढ़ाना एक तरफ होता है और हम बहुत अंत में जाकर के आकलन करते हैं, परीक्षा लेते हैं और रिजल्ट निकालते हैं। दोनों में जैसे लगता है कि कोई संबंध नहीं है, और यदि है तो संकुचित संबंध है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं, मेरे हिसाब से बहुत ही व्यापक संबंध है और बहुत ही अन्योन्याश्रय का संबंध है, दोनों साथ चलने वाली क्रिया। तो सर, हम आकलन कितने तरीके से कर सकते हैं? जो आकलन अधिगम का दोनों संबंध आपने बताया, हम आकलन कितने किन किन तरीकों से किया जा सकता है? आकलन को मुख्य रूप से तीन प्रकार का बताया गया है। एक आकलन जिसे हम अधिगम का आकलन कहते हैं जी, जिसको हम अंग्रेजी में यूँ कहें तो इसे कहेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग। दूसरा आकलन अधिगम के लिए आकलन है, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग। और एक तीसरे प्रकार का आकलन होता है जिसे हम कह सकते हैं, और मेरी समझ में वह सबसे महत्वपूर्ण है, और वह है आकलन का अधिगम, असेसमेंट एज लर्निंग। अंग्रेजी में यदि उसे कहेंगे असेसमेंट एज लर्निंग, तो मूल रूप से मैं इसे तीन भागों में बांटना चाहूँगा, अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन और आकलन का अधिगम। जी सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने हमें। तो हम जो आपने तीन अलग अलग भागों में से बांटा है, तीन मुख्य मुख्य रूप से बताया है, तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि अधिगम का आकलन क्या है। जो प्रथम आपने बताया है कि अधिगम का आकलन, आकलन के लिए अधिगम, तो अधिगम का आकलन हम किसे कहेंगे? अधिगम का आकलन का मतलब है कि हम अधिगम को, सीखने की क्रिया को, बच्चा कितना सीखा है, इसे हम कई तरीके से बच्चों के ज्ञान को,
सीखे हुए ज्ञान को, बच्चों के अंदर अर्जित ज्ञान को मापने का हम कई तरीका अपना सकते हैं। इसे ही हम अधिगम का आकलन कहते हैं, यानी बच्चा एक समय सीमा में कितनी जानकारी इकट्ठा किया है, किसी विषय में कितनी जानकारी प्राप्त किया है, इसको जानना अधिगम का आकलन कहलाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, हम पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, और इस माध्यम से बच्चों में अवधारणा, सूचनाएं, कई तरह की जानकारियां, कई फैक्ट्स इत्यादि बच्चों, कई कौशल, कई और चीज़ें बच्चों में आती रहती हैं। बच्चों में ये चीज़ें आती हैं शिक्षा के उद्देश्य के अनुरूप से, जमा होती जाती हैं हमारे पढ़ाने से, शिक्षकों के पढ़ाने से, और तब हम जानने की कोशिश करते हैं एक खास समय के बाद कि बच्चा ने कितना सीखा। यह अधिगम का आकलन है, और इसके लिए हम कई तरह के तरीके अपनाते हैं। जैसे कि बहुत सारे विद्यालयों में सप्ताह में एक बार टेस्ट हो जाता है, जिसे साप्ताहिक टेस्ट कहते हैं, विषय आधारित टेस्ट होता है। कहीं कहीं पर क्लास टेस्ट भी होता है, हर 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 क्लास में कुछ ना कुछ टेस्ट होते रहता है। शिक्षक कुछ प्रश्न पूछते हैं और उसका मूल्यांकन करके वो उसका अंक उस पर देते हैं और बच्चों को बताते हैं। कहीं कहीं पाक्षिक, किसी किसी विषय में पाक्षिक फोर्टनाइटली टेस्ट लिया जाता है, कहीं पर मासिक परीक्षा की व्यवस्था है, कहीं पर तिमाही त्रैमासिक परीक्षा की व्यवस्था है, छमाही और वार्षिक परीक्षा के बारे में हम सभी अवगत हैं। यह जो एक समय के बाद ली जाने वाली परीक्षाएं हैं, यह सब अधिगम का आकलन, यानी सूचनाओं का आकलन, सीखने का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग के तहत ही हम लेते हैं। और अंत में करते क्या हैं हम कि इन सभी अलग अलग खंडों में ली गई परीक्षाओं के अंकों को एग्रीगेट करके, जोड़ करके, औसत निकाल करके फिर हम बच्चों को पास या फेल कर देते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी अधिगम का आकलन मूलतः पास या फेल करने के लिए होता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग मूलतः मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, कभी कभी हम क्रिया आधारित भी करते हैं, और इसमें प्रश्नों के प्रकार भी अलग अलग प्रकार होते हैं। कभी छोटे प्रश्न होते हैं, बड़े उत्तर वाले प्रश्न होते हैं, और कई वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का भी इसमें प्रकार होता है। तो ये कई तरीके इसमें अपनाए जाते हैं, लेकिन उद्देश्य होता है कि बच्चों के अंदर कितनी जानकारी है, उस जानकारी को मापना। बच्चा ने कितना सीखा है उसको मापना, बच्चा कितना अंक पाया उसके बारे में पता करना, और बच्चा पास किया या फेल किया, यह काम करना इस आकलन का कार्य है। बच्चे को पास करना या फेल करना इस आकलन का कार्य है। इस आकलन का कार्य है कि बच्चे को बताएं कि तुम दूसरों की तुलना में यहाँ पर हो, दूसरे स्कूल की तुलना में तुम यहाँ पर हो, अन्य बच्चों की तुलना में तुम यहाँ पर हो। एक तरह से बच्चों की यह तुलनात्मक स्थिति को बताता है, यह कंपैरिजन करता है, यह पास और फेल करता है, और बच्चों को बताता है कि तुम इतना जानते हो और इतना नहीं जानते हो। तो अधिगम के आकलन का मुख्य रूप से स्वरूप यह बनता है, और इसका उद्देश्य और इसकी विधि इस रूप में हम देखते हैं। सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई हमें यहाँ पर कि जो भी हमारी परीक्षाएं होती है विद्यालयों में, जो छमाही परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा है, वो सभी हम अधिगम का आकलन है। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपने दूसरी चीज हमें बताई है कि अधिगम के लिए आकलन क्या है। इससे पहले कि मैं अधिगम के लिए आकलन की बात करूँ, अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसके बारे में मैं बता दूँ कि
इसका लिमिटेशन क्या है, इसकी सीमाएं क्या है? इसकी सीमाएं है कि यह बच्चों के सीखने के तरीके के बारे में नहीं बता सकता। इस आकलन से हम यह नहीं बता सकते कि बच्चा सोचता कैसे है। हमें इस आकलन के से यह नहीं पता लगा सकते कि बच्चों को सीखने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं, और हम यह भी नहीं बता सकते कि बच्चों में अन्य गुण, अन्य कौशल क्या क्या है। सिर्फ सूचना के अलावा, विषयगत सूचना के अलावा अन्य कौशल बच्चों में क्या क्या है, यह पता लगाना असेसमेंट ऑफ लर्निंग या अधिगम का आकलन से संभव नहीं है। और हमारा आकलन का लक्ष्य है कि हम एक संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास का आकलन करें। सीखने की प्रक्रिया का मतलब है कि बच्चा का संपूर्ण विकास हो रहा है कि नहीं। बच्चा जब सीखता है तो उसका संपूर्ण विकास हो रहा है कि नहीं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, शिक्षा का उद्देश्य और सीखने की प्रक्रिया और आकलन तीनों में एक गहरा संबंध है। जैसे शिक्षा का उद्देश्य है संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना, वैसे ही आकलन का अर्थ है संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया का आकलन करना, न कि कुछ जानकारी, विषयगत जानकारी का आकलन करना। इसलिए हम देखते हैं कि अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जिसके बारे में अभी चर्चा हुई आपसे, वह सिर्फ सूचना के बारे में तो बता सकता है वह आकलन, लेकिन व्यक्तित्व के कई अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को वह नहीं बताता है, यह उसकी सीमा है। अधिगम के लिए आकलन, यह आकलन का एक सबसे बड़ा उद्देश्य है। आकलन का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि अधिगम में मदद करना, अधिगम में सीखने की प्रक्रिया में सहायता करना। और सीखने की प्रक्रिया में मदद कर आकलन न केवल ज्ञान और व्यक्तित्व विकास में मदद करती है, बल्कि सीखने की गुणवत्ता में भी वृद्धि करती है। इसलिए यह इस प्रकार का आकलन, जिसे असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के रूप में भी किताबों में बताया गया है, और हम सभी जानते हैं यह फॉर्मेटिव इवेल्युएशन भी इसी को कहते हैं जी। जब असेसमेंट फॉर लर्निंग की हम बात करते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी अधिगम के लिए आकलन के लिए यह आवश्यक है कि हमें शिक्षा के उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट हों, हमें व्यक्तित्व के संपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी हो, व्यक्तित्व विकास के संपूर्ण सिद्धांतों के बारे में जानकारी हो, कक्षावार एवं विषयवार लक्ष्य के बारे में पूरी जानकारी हो, प्रत्येक बच्चे की बौद्धिक एवं शारीरिक विशेषताओं की जानकारी हो, वर्ग के प्रत्येक बच्चे की, क्योंकि हमारा लक्ष्य है संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, और सिर्फ एक दो या कुछ बच्चों के ही नहीं, वर्ग में बैठे हुए सभी बच्चों का के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना हमारा लक्ष्य है, उनको सिखाना हमारा लक्ष्य है। तो आकलन इसमें, इस क्रिया में कैसे मदद करे, इसके लिए प्रत्येक बच्चे की बौद्धिक एवं शारीरिक विशेषताओं की जानकारी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। शिक्षा शास्त्र की जानकारी, पढ़ने पढ़ाने का सिद्धांत क्या है, और पढ़ने पढ़ाने के कई सिद्धांतों में बेहतर सिद्धांत क्या है, ये तमाम चीज़ों का एक तुलनात्मक जब तक अस्पष्टता मस्तिष्क में नहीं होगी तो हम असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में नहीं सोच सकते। और सबसे जो इसमें एक महत्वपूर्ण बात है वह है कि फीडबैक जो है कि हम किसी को जब एक तुरंत रचनात्मक सलाह दे देते हैं आगे बढ़ने के लिए, उसकी कमियों को दूर करने के लिए, जिसको हम फीडबैक अंग्रेजी में फीडबैक शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है, जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, जो आकलन, जो अधिगम के लिए आकलन है, इसमें फीडबैक एक देना, कैसे दें फीडबैक, कब दें, किस तरह से दें,
उसमें और क्या बातें होनी चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फीडबैक इस प्रक्रिया का एक बहुत ही अहम हिस्सा हुआ करता है। अधिगम के लिए आकलन के बारे में आपको विस्तार से बताना चाहूँगा। अधिगम के लिए आकलन, इसका उद्देश्य पास या फेल नहीं करना है, बल्कि सीखने में गति एवं गुणवत्ता लानी है। साथ ही यह भी इस प्रक्रिया द्वारा पता चलता है कि एक शिक्षक के रूप में हमारे प्रयास में कहाँ चूक रह गई और हम कैसे उसमें सुधार ला सकते हैं। तत्काल सुधार एवं सकारात्मक फीडबैक इस आकलन का एक प्रमुख हिस्सा है। अधिगम के लिए आकलन इस प्रक्रिया में न केवल विषयगत बल्कि व्यक्तित्व के अन्य पहलू से संबंधित बातों पर भी नज़र रखी जाती है। बच्चों की अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभा, जैसे खेलकूद, संगीत, चित्रकला, वाद विवाद आदि क्षेत्रों में बच्चों की प्रतिभा को भी हम इस आकलन के द्वारा पता कर सकते हैं और उसमें सुधार कर सकते हैं। और अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग हम कैसे करते हैं, इसका तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है निरीक्षण के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से। दूसरा तरीका शिक्षक इसमें अपनाते हैं कि बच्चों के साथ भागीदारी करके, बच्चों की गतिविधि में शामिल हो करके। तीसरा, उनके साथ अच्छा व्यवहार करके। चौथा, उनको कोऑपरेट करके उनको विभिन्न कामों में, विभिन्न गतिविधि में उनको सहयोग करके। और चौथा, विपरीत परिस्थितियों में निर्णय लेने की उनकी क्षमता में सहायक हो करके, नेतृत्व की क्षमता आदि। ऐसे मौके हैं जहां पर आप उनको देख सकते हैं, उसमें भागीदार हो सकते हैं और बच्चों की क्षमता का आप आकलन कर सकते हैं और उन्हें आगे और बढ़ने के लिए, अच्छा और करने के लिए इसमें एक शिक्षक उसकी मदद कर सकता है। इसका मूल्यांकन अंक से नहीं बल्कि ग्रेड से होता है, जनरली हम ग्रेड से करते हैं। यह हर रोज़, हर घड़ी, हर क्लास में, हर गतिविधि के साथ चलने वाली क्रिया है। यह एक सतत मूल्यांकन और यह सीखने सिखाने के साथ चलती रहनी चाहिए और इसे हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। सर, हमारी अगला मुद्दा है, यहाँ पर आपने जो बताया कि आकलन के लिए अधिगम और आकलन क्यों जरूरी है, आकलन की क्या आवश्यकता है हमें और आकलन का अधिगम कैसे होगा? आकलन का अधिगम, इसे हम कह सकते हैं कि सीखने के रूप में आकलन, या इसको हम मेटा कॉग्निशन की निगरानी भी कह सकते हैं। मेटा कॉग्निशन की निगरानी का मतलब है कि जब हम सीखते हैं या हमारे मस्तिष्क में सीखने की प्रक्रिया चलती है तो कई चरणों में समाप्त होती है, और यह जो सीखने वाली प्रक्रिया कई चरणों में समाप्त होती है, इसमें बस स्टेप वाइज वस्तुओं की जानकारी और उसके बाद फिर उसका विश्लेषण, फिर उसका हम उसमें एक नया पर्सपेक्टिव ऐड करते हैं, नए ढंग से उसको मिलाने की कोशिश करते हैं और फिर एक निष्कर्ष निकालते हैं। यह जो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत विचारों का सीखने की प्रक्रिया शुरू होती है, चलती है, इसको ऊपर से देखना और इसमें किए गए प्रयासों का मूल्यांकन करना और इसमें सुधार करना, ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसको हम रिफ्लेक्शन के द्वारा, जिसको हम एक चिंतन के द्वारा, क्रिटिकल चिंतन के द्वारा हम इसको देख सकते हैं। और इसका, जब इस तरह की प्रक्रिया का अध्ययन हो जाता है हमारे मन में, हम इस पर काबू कर लेते हैं, तो वह हम इसे ही आकलन का अधिगम कहते हैं। तो सर, हमें ये बताइए कि अधिगम का आकलन हम कैसे करेंगे? और अधिगम का आकलन, अधिगम का आकलन और अधिगम के लिए आकलन, आपने दोनों हमें विस्तार पूर्वक बता दिया है। जी जी। तो हम और इस विषय में जानना चाहेंगे कि हम ये तीनों जो मुद्दे हैं
कि अधिगम का आकलन, आकलन के लिए अधिगम, एवं तीसरा है हमारा जो है हमारा कि आकलन भी आवश्यक है तीनों का। तो इन तीनों मुद्दों को आप हमें एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं और ये हमें बताने की कृपा करें कि आप तीनों मुद्दे आपस में कैसे आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। तीनों मुद्दे आपस में एक दूसरे से बहुत ही गहराई से संबंधित हैं। जब हम आकलन की बात करते हैं और संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की बात करते हैं और व्यक्तित्व के विकास के संदर्भ में आकलन करते हैं, सीखने का आकलन करते हैं, तो एक वह भी आकलन आवश्यक है जो हमें यह बताए कि बच्चों की अंतिम जानकारी कहाँ पर है और अब उसको दूसरे वर्ग में जाने के लिए या तीसरे उसके आगे के वर्ग में जाने के लिए उसके पास क्या क्या योग्यताएँ हैं, वांछित योग्यताएँ हैं या नहीं हैं, और उसके भविष्य या उसके दूसरे कैरियर के लिए भी आकलन की आवश्यकता है। इसलिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी आप अपने आप में महत्वपूर्ण है। दूसरा, असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन जो है वह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिगम के लिए आकलन यदि बहुत ही बखूबी अच्छे ढंग से होगा, चलेगा, तो अधिगम का आकलन अपने आप आगे बढ़ जाएगा, उसमें कोई बच्चा पीछे नहीं रहेगा, कोई कमी नहीं रहेगी। और जब आकलन का अधिगम होगा तब हर बच्चा खुद का आकलन करने के लिए सक्षम हो जाएगा, हर बच्चा अपने दूसरे बच्चों का आकलन करने के लिए सक्षम हो जाएगा और वह शिक्षक का भी आकलन करेगा, शिक्षक खुद अपना आकलन करने के लिए सक्षम हो जाएगा, यानी अपने आप आकलन की ऐसी एक संस्कृति पैदा हो जाएगी जहाँ पर गलती रहने की गुंजाइश नहीं रहेगी और किसी बच्चे को पीछे छूटने की गुंजाइश नहीं रहेगी और यह नियमित सतत चलता रहेगा। और हमारा जो लक्ष्य है, जो आज हम जिस गुणवत्ता से ग्रसित, गुणवत्ता के की कमी से ग्रसित हैं, हमारा शिक्षा का सिस्टम जो इसमें इसे प्रभावित है, वह आगे नहीं रहेगा यदि हम आकलन की प्रक्रिया को दुरुस्त कर लें और तीनों आकलन के तीनों प्रक्रियाओं को हम मिला करके चलें। सर, आपने बहुत ही अच्छी तरह से हमें बताया कि हमने अधिगम का आकलन कैसे होता है, अधिगम के लिए आकलन कैसे होता है और आकलन अपने आप में क्यों ज़रूरी है। इन तीनों मुद्दों पर आपने हमें बहुत ही विचारोत्तेजक बातों से अच्छी तरह से समझाया। मैं NIOS की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। और आपका स्टूडियो में आने के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद।